साजिद खान इस सीजन के सबसे विवादित और चर्चित कंटेस्टेंट में से एक हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर साजिद खान के नाम को लेकर कोई ना कोई बवाल खड़ा होता रहता है। हाल ही में सलमान खान के शो में साजिद खान ने निमृत के जन्मदिन पर शो के कंटेस्टेंट अब्दुल रौजिक के साथ जिस तरह का मजाक किया वो सोशल मीडिया यूजर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब बीते एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क हुआ जिसमें साजिद खान इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, लेकिन उन्हें बिग बॉस के घर से कोई हिला नहीं सकता है। दरअसल खबर है कि एक तारीख तक शो के होस्ट सलमान खान भी उन्हें इस शो से बाहर निकाल नहीं पाएंगे। साजिद खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रियल द खबरी के इंस्टाग्राम पेज पर साजिद खान घर में कब तक रहेंगे इसकी जानकारी शेयर की गई है। उनके इनसाइडर सूत्रों की माने तो साजिद खान की बिग बॉस के घर में रहने के मिनिमम गारंटी 15 जनवरी 2023 तक ही है, यानी कि साजिद खान को अगर दर्शक भी नॉमिनेट करते हैं तो भी फिल्म मेकर सुरक्षित हो जाएंगे और 15 तारीख तक मेकर्स उन्हें नहीं जाने देंगे और ना ही सलमान खान उन्हें इस घर से निकाल पाएंगे। आपको बता दें कि इस हफ्ते शो के मेकर्स ने वोटिंग लाइन्स बंद कर दी थी। साजिद खान के बिग बॉस के घर में इतने लंबे समय तक रहने के फैसले से शो के दर्शक और फैंस नाखुश नजर आए। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इसको निकालो यार शो से, जनवरी तक हम नहीं देख सकते इसे। दूसरे यूजर ने लिखा, घर जमाई बन गए हैं ये। एक अन्य यूजर ने लिखा, इसके चलते ही निमृत बिग बॉस के घर में अकेली पड़ जाएंगी, वो मंडली गैंग का पिलर हैं, फिर वो अकेले अकेले खेलेंगे। एक अन्य यूजर ने तो यहाँ तक तंज कसते हुए कह दिया कि अच्छा बिग बॉस में अब ऐसा भी होने लगा है। बिग बॉस सीजन 16 दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो बिग बॉस सीजन 16 की कामयाबी को देखते हुए मेकर्स को इस शो के लिए एक महीने का एक्सटेंशन मिल गया है और जनवरी में होने वाला फिनाले अब फरवरी 18 से 15 के बीच हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।